फिनोटेक्स केमिकल एक ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर हर कोई नजर रखे हुए है, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी स्टॉक के बारे में। बेसिकली न्यूज क्या है, अभी क्या चल रहा है और फिनोटेक्स फ्यूचर में कितना ग्रो कर सकता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने फिनोटेक्स केमिकल का शेयर ओपन किया हुआ है। आज के दिन आपको कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन 316 रुपए का ये शेयर है। 5 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो लगभग 5% का ग्रोथ, पूरे 1 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो 23% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। वहीं बात करें 6 महीने की तो 0.75, और पूरे 1 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो 81% का रिटर्न इस कंपनी ने प्रोवाइड किया है। तो कह सकते हैं कि पूरे साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं। बट सवाल ये है कि अब भविष्य में कैसा करेगी, क्या अभी कंपनी के अंदर न्यूज़ है और क्या अपडेट है, वो जानेंगे। यहाँ पर एक अपडेट सामने आई कि फिनोटेक्स केमिकल ने 100 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं एक न्यू प्लांट्स के अंदर, और ये फैसिलिटी आपको तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पर कंपनी पेपर केमिकल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री केमिकल से रिलेटेड जितने भी केमिकल्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करेगी। अब हम देखेंगे कि बेसिकली कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने से पूरे रेशोस पे क्या फर्क पड़ा, क्या बदलाव हुए। इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट एनालिसिस देखेंगे और वो बहुत जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले आप इधर देखिए, कंपनी का मार्केट कैप 3501 करोड़ का है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का PE 39.6 के आसपास है। कह सकते हैं कि शेयर थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी के मामले में कंपनी लाजवाब है, यानी 28% का रिटर्न प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर कंपनी के ऊपर कर्ज बिल्कुल भी नहीं है, 0.02 का डेट टू इक्विटी है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो आप देख सकते हैं 88.7 करोड़ हो चुका है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि कंपनी के रेशोस काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी अच्छे हैं, किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं शो कराते। बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जहां कंपनी 22 करोड़, 21 करोड़, 20 करोड़, 17 करोड़, 19 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट करती थी, वो बढ़ाकर 26 करोड़ कर लिया है, और ये प्रॉफिट कंपनी ने अपनी सेल से बढ़ाया है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि अदर एक्सपेंस से आया है, ये ओवरऑल जितना भी प्रॉफिट है कंपनी की सेल से आया है। आप साफ साफ देख सकते हैं दिसंबर 2022 में 109 करोड़ की सेल हुई थी, अभी 138 करोड़ की सेल हुई है। कंपनी अपने एक्सपेंस को बहुत तेजी से डिक्रीज कर रही है, इसीलिए कंपनी का जो OPM है 29 से बढ़कर 33 हो चुका है, लेकिन जो परसेंटेज है 26 से घटकर 24 हुआ है, इस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, अगर कंपनी इतना अच्छा कर रही है तो मैनेजमेंट जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए, और ये चीज हमें देखने को मिलती है। यहां पर आप देख सकते हैं दिसंबर 2022 में 65% की होल्डिंग ले रखी थी प्रमोटर्स ने, अभी वो बढ़कर 65.04% हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ इधर ही बढ़ी है, अगर आप पूरा ओवरऑल रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो जून 2020 में 71% थे प्रमोटर्स, वो घटकर 65% हो गए हैं। तो दोनों पहलू से हम कह सकते हैं कि प्रमोटर्स पहले ज़्यादा थे, अब कम हो गए हैं, लेकिन अभी रिसेंटली देखें तो प्रमोटर्स फिर से इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जो फिनोटेक्स केमिकल है वो रिसेंटली ही कुछ ग्रो कर रही है। FII आप देख सकते हैं 1.2% से घटकर 0.72 हुए हैं, उसके बाद फिर से घटे हैं 0.71 पे आ गए हैं। DII स्टार्टिंग में 6.15% था, वो घटते घटते 5.35% आया। सितंबर 2022 में 4.1% हो गया, दिसंबर 2022 में 3.65% हो गया, और अभी भी 3.65% ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इतना कुछ खास ग्रोथ हमें इस कंपनी में देखने को नहीं मिल रही, बिकॉज प्रमोटर्स इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्ट नहीं हो रहे, FII और DII भी किसी भी तरह का कोई बड़ा सिग्नल नहीं दिखा रहे। इस शेयर में जो सबसे ज़्यादा चर्चा की जाती है वो है आशीष कच्चोलिया की, बिकॉज आशीष कच्चोलिया ने इस कंपनी में 2.82% की होल्डिंग ले रखी है। हालांकि आशीष कच्चोलिया ने अभी रिसेंटली कुछ होल्डिंग्स को बेचा है, बट ओवरऑल फिनोटेक्स केमिकल को आशीष कच्चोलिया की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। वहीं सुरेश अग्रवाल ने भी 1.26% की होल्डिंग इस कंपनी में ली हुई है। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं इस कंपनी का जो SWOT एनालिसिस है वो क्या कहता है, बेसिकली कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या और थ्रेड क्या है। अगर मैं इस कंपनी का थ्रेड आपके सामने रखूं तो कोई भी खतरा नहीं है इस कंपनी के अंदर। इस कंपनी में 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, चलिए देखते हैं बारी बारी से क्या वो 2 अपॉर्चुनिटीज हैं।
स्क्रीन पे देख सकते हैं कंपनी ने हाईएस्ट रिकवरी करी है 52 वीक लो के अंदर। RSI इंडिकेट करता है कंपनी की प्राइस स्ट्रेंथ को। कंपनी के अंदर कोई भी वीकनेस नहीं है, आप इधर देख सकते हैं नो वीकनेसेस साफ साफ लिखा हुआ है। तो गाइस एक ऐसी कंपनी जिसमें कोई वीकनेस ना हो, 15 स्ट्रेंथ हो, 2 अपॉर्चुनिटीज हो और थ्रेड बिल्कुल भी नहीं हो, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव सिग्नल ये कंपनी दिखाती है। कंपनी का हाई पाइट्रोसिक स्कोर है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी हाई है और EPS भी कंपनी का काफी हाई है। पाइट्रोसिक स्कोर यानी कंपनी फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एनुअल EPS चेक करेंगे तो वो भी आपको ग्रो होता हुआ नजर आएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 2 साल से बढ़ा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 2 साल से इंप्रूव हुआ है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी 2 साल से आपको बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है अगर आप ईयरली चेक करें तो। कंपनी के ऊपर कर्ज ना के बराबर है। कंपनी के प्रॉफिट्स को अगर हम क्वार्टरली देखें तब भी आपको पॉजिटिव नजर आएंगे, ईयरली देखें 2 साल का नेट प्रॉफिट भी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। बुक वैल्यू कंपनी की 2 साल से इंप्रूव हुई है, प्रमोटर्स ने कहीं भी शेयर को गिरवी नहीं रखा हुआ है। रिसेंट जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं। कंपनी ने एक महीने के अंदर ही 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। प्राइस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा है। तो गाइस ये वो सभी 15 स्ट्रेंथ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओवरऑल कह सकते हैं कि कंपनी का SWOT एनालिसिस काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है। आप देख सकते हैं जिस पाइट्रोसिक स्कोर की मैं बात कर रहा था वो 8 है, यानी कंपनी फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमें पाइवोट लेवल नजर आएंगे और दावे ऐसे किए जाते हैं कि ये शेयर 311 के बाद लोअर सर्किट में जा सकता है, अपर सर्किट 331 रुपीस के आसपास है। और अभी आप इस कंपनी का शेयर देखेंगे तो 316 रुपीस के आसपास दिखा रहा है। ये है कंपनी का वॉल्यूम, कल 4 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, डिलीवरी 2 लाख के आसपास ली गई थी, बेसिकली 38% की डिलीवरी ली गई थी। और आज का जो वॉल्यूम है वो भी आप देख सकते हैं 1 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस ओवरऑल यही था फिनोटेक्स केमिकल को लेकर, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बेसिकली हम कह सकते हैं कि 316 रुपीज का जो ये शेयर है इसके अंदर पोटेंशियल है, ग्रोथ है, भविष्य में आपको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बट किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पर्पज से बनाई गई है। तो अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं बाय या सेल का तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।